थोड़ा नज़ारा भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वो चंदन आता था, आवाज मारता था कि चारों तरफ से कितना खूबसूरत व्यू देखने नहीं मिलता अगर आप लोग झील के अंदर। टिकट हमने गाइस ले लिया है, अब चल दिए हम बोटिंग करने के लिए। तो अभी ये बोट रिपेयर हो रही है, देखो इस तरीके से यहाँ पे रिपेयरिंग होती है, जैसे गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है तो इसी तरीके से होती है। बोटिंग करनी मैंने लगती है बहुत ज़्यादा हमारे दादा, देखो यार ये देखो कम 50-40 हज़ार रुपये में। तो इस टाइम आपको 30,000-25,000 रुपये में नैनीताल में घूमने के लिए। टिकट हमने गाइस ले लिया है, अब चल दिए हम बोटिंग करने के लिए। तो अभी ये बोट रिपेयर हो रही है, देखो इस तरीके से यहाँ पे रिपेयरिंग होती है, जैसे गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है तो इसी तरीके से बोटिंग भी रिपेयरिंग होती है यहाँ पे, देखो ये। और इस बोटिंग को रिपेयरिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। और ये हमारे बोट अध्यक्ष हैं चौहान भाई, हमेशा आपको यहाँ पर मिलेंगे बोट रिपेयरिंग करते हुए। तो आजकल काफ़ी बोटें जो हैं निकल चुकी हैं रिपेयरिंग के लिए। और ये देखें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है यार हर चीज़ में, जैसे बोटिंग देख रहे हो ना, जैसे गाड़ी सर्विस करने की मेहनत लगती है, बोटिंग करने की मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा हमारे दादा। देखो यार ये देखो ये, और इधर भी देखो, मतलब 5-6 लोग जो हैं एक बोट को संभालने में लगे हैं, देखो। और बहुत, क्योंकि एक बोट को कम से कम 3-5 दिन लगते हैं पूरे बोट बनाने में, पूरा बोट को रिपेयरिंग सर्विस करने में। गाड़ी की तो एक ही दिन में सर्विस हो जाती है, पर बोट को कम से कम 5-6 दिन लगता है। इस तरीके से अभी इसके ऊपर जो है काफ़ी कुछ लगाया है, एक दिन लगेगा ना पूरा, हाँ ये जी 5-6 दिन लग जाते हैं। तभी हम चलते हैं बोटिंग करने के लिए। और झील में आप लोग खूबसूरत नज़ारा इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। और झील में काफ़ी टूरिस्ट घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और बहुत ही शानदार आज का मौसम है, और यही मौसम है दोस्तों नैनीताल में इस टाइम घूमने का। जैसे अभी हम आपको बताते रहते हैं भाई, नैनीताल अगर आप लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, कौन से महीने में आना चाहिए, कौन से महीने में सस्ते में आप लोग घूम सकते हैं, कौन से टाइम है, वो आज आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो वही दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई नैनीताल अगर आप लोग घूमने के लिए आ रहे हो, इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम आपको ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी और बहुत कम प्राइस में पूरा नैनीताल आप लोग घूम के जा सकते हैं। अगर जो ही चीज़ आप लोग सीज़न में यहाँ पे घूमेंगे कम से कम 50-40 हज़ार रुपये में, तो इस टाइम आपको 30,000-25,000 रुपये में आराम से पूरा 2-3 दिन अपने आराम से घूम के जा सकते हो। होटल भी सस्ते मिल जाएंगे, टैक्सी भी आप लोगों को सस्ती मिल जाएगी, पर बोटिंग का हमेशा 12 महीने एक ही चार्ज रहता है। आजकल चार्ज चल रहा है, जैसे अभी हमने आपको अपनी वीडियो में बताया, 320 रुपये और 420 रुपये। तो अभी बोट वाले भैया जो हैं बोटिंग लेने गए हैं, हमारा छोटे भाई आरिश भाई, तो उसके साथ आज पूरा बोटिंग का राउंड करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से बोटिंग की जाती है और बोटिंग कहां तक होती है, पूरा जो है आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो गाइस हमने जो है हाफ चक्कर लिया है 320 रुपये का, और अभी हम आ गए हैं बोटिंग करने के लिए। काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर कह रहे थे शताब भाई एक बार बोटिंग के बारे में पूरी बताइएगा, आप लोग खुद जाइएगा बोटिंग करने के लिए और उसके बाद आप बोटिंग करके बताइएगा कि चारों तरफ से कितना खूबसूरत व्यू देखने नहीं मिलता अगर आप लोग झील के अंदर बोटिंग कर रहे होते हैं। तो मेरे पीछे का भी खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, जो हम आरिश भाई के साथ बोटिंग करने के लिए आए। आरिश भाई थोड़ा सा इधर को घुमा के दिखाइएगा, वो है अपना स्नो व्यू पॉइंट जहाँ पे केबल कार से भी जाते हैं, हमेशा हम आपको दिखाते रहते हैं वाला व्यू। इधर साइड है अपना टिफिन टॉप साइड जो आजकल बंद है, उसे बनने में कितना टाइम लगेगा जिस दिन बनेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं तल्लीताल साइड, थोड़ा तल्लीताल साइड का खूबसूरत नज़ारा दिखा दिएगा। अगर गाइस आप लोग झील में आ रहे हैं बोटिंग करने के लिए और 320 वाला या 420 वाला आप लोग चक्कर कर रहे हैं, 320 वाला हाफ चक्कर जो है मतलब 20 से 15 मिनट या 25 मिनट का राउंड रहता है, और फुल चक्कर करते हैं 30 से 35 मिनट 40 मिनट का राउंड रहता है। और इस बोट में बैठ के आप चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अभी मैंने लाइफ जैकेट उतार दिए, पर बिना लाइफ जैकेट पहने आप लोग जो है बोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपका चलान हो जाएगा। तो अभी लाइफ जैकेट पहनते हैं और बोटिंग करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर यहाँ पे बोट खड़ी कर ली थी कि भाई आप लोगों को खूबसूरत नज़ारा दिखा दिया जाए, उसके बाद हम लाइफ जैकेट पहन के जाएंगे झील के अंदर। तो बने रहना वीडियो में। I don't think so. No,
no, I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. इस हम आपको दिखाते हैं फिल्टर वाली मशीन जिससे पानी फिल्टर होता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इसी पानी को जो है दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं पानी के वो बोले किस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और आरिज भाई भी देख रहे हैं। पानी भी काफी ठंडा है। और यहाँ पे पानी की बात करें आजकल बहुत ही शानदार पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है और बहुत ही मजा आता है, क्योंकि चमकती भी धूप निकलती हो और चारों तरफ के धूप ही धूप और बीच में हरियाली हरियाली, बड़ा मजा आता है भाई साहब नैनीताल में घूमने के लिए। गाइस बोट की राइड करके हम आ चुके हैं, बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही शानदार है। और आप लोगों ने मेरी वीडियो में देख भी लिया होगा कितना प्यारा मैंने आप लोगों को झील के बीच में से खूबसूरत सा नज़ारा दिखाया है। तो अभी हम बीच झील के अंदर थे और अब हम आ गए हैं झील के किनारे। अभी जो है आरिज भाई अपनी बोट लगा रहे हैं साइड में, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं नैनीताल में किस तरीके की पब्लिक है। पहले खूबसूरत नज़ारा एक बार और देख सकते हैं आप लोग झील का। झील के किनारे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट बैठे हुए हैं, झील का नज़ारा ले रहे हैं। ये भैया किस तरीके से बैठे हैं, हेलो भैया बहुत गहराई है, हेलो इन्हें इधर को कर दिया, गिर जाओगे यार, कहाँ उधर को मुँह करके बैठे हुए यहाँ पे। और यहाँ देख सकते हैं साइड में ही काफ़ी अच्छी गहराई यार, तो इसलिए आप लोग आराम से अपनी सेफ्टी के साथ आराम से बैठिएगा यहाँ पर। और ये है बैंड हाउस जहाँ पर कस्टमर काफ़ी आकर जो है यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। आप भी नैनीताल आते हैं तो आप भी ज़रूर एक बार यहाँ पर आकर फोटोग्राफी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और फोटोग्राफी के साथ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा भी आप लोग देख सकते हैं जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ही हुई थी चांद के पार की मूवी की शूटिंग, जहाँ पे जो है ताऊ जो है कॉफ़ी बनाते थे, यहाँ पे कॉफ़ी बनाते थे और यहाँ पे वो चंदन आता था आवाज़ मारता था। गाइस बोटिंग करके भी आ गए हैं और आप लोगों को हमने नैनीताल का खूबसूरत नज़ारा भी दिखा दिया। तो डेली आप लोग हमारी वीडियो में अपडेट देते हैं नैनीताल में किस तरीके का मौसम है, किस तरीके का वेदर है। तो बोटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आरिज भाई के साथ, 320 रुपये में आरिज भाई ने फुल चक्कर का मज़ा दिला दिया, बहुत ही मज़ा आ गया। तो दोस्तों अगर आप लोग नैनीताल आते हैं तो आरिज भाई अपना बोट नंबर बता दिए पहले, 6399306676। और बोट नंबर क्या है? एक बोट का एक मतलब 126 है, दूसरी बोट का 131 नंबर है। तो आरिज भाई के साथ आइए बोटिंग में घूम के एक बार, आरिज भाई को मौका दिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से घुमाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस वीडियो को यहाँ पे दोस्तों एंड कर देते हैं।